आबकारी विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा तराई अंचल में मदिरा का अवैध व्यवसाय करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि पुलिस तथा आबकारी विभाग ने देर रात ग्राम पटेहरा थाना अतरेला में छापा मारकर 60 लीटर हाथ भट्टी से बनी अवैध मदिरा जब्त की। संयुक्त दल ने छोटे लाल गुप्ता के घर में छापा मारकर 4 ट्रकों में अवैध रूप से भंडारित हाथ भट्टी की मदिरा जब्त की। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। कलेक्टर ने बताया कि पुलिस तथा आबकारी के दल ने ग्राम चौखंडी में सविता पासी के रिहायशी मकान से 5 लीटर कच्ची मदिरा तथा पुष्पा पासी के मकान से 5 लीटर हाथ भट्टी की मदिरा जब्त की। ग्राम गाड़ा 138 में नीता माझी के मकान से अवैध रूप से भंडारित 400 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। इनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। कार्यवाही में आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी लोकेश ठाकुर, उप निरीक्षक आशीष शुक्ला, अभिषेक त्रिपाठी, मनोज बेलवंशी तथा सबनम बेगम एवं पुलिस बल शामिल रहा।